और बात अब कुतुब मीनार विवाद की करेंगे। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने जो अर्जी लगाई उसमें कहा गया है कुतुब मीनार परिसर में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसीलिए उन मूर्तियों की पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसी सिलसिले में हम आपको दिखा रहे हैं 1871-72 में कुतुब मीनार पर तैयार की गई एसआई की ये खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत होता दिख रहा है। हिंदू बनाम मुस्लिम के बीच पूजा की लड़ाई का एक सिरा इस कुतुब मीनार से भी मिलता है। कुतुब परिसर में पूजा की लड़ाई दिल्ली की अदालत में आगे बढ़ रही है, और इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से नई हलचल है। 1871-72 में तैयार की गई एएसआई की ये रिपोर्ट है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में जेडी बेगलर और एसीएल कार्लियल ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के अंदर कई जगहों पर यह साफ जिक्र है कि कुतुब परिसर में हुए निर्माण यहीं पर मौजूद मंदिरों की बुनियाद पर किए गए, और उसमें यहीं मौजूद मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल भी हुआ। मसलन इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहां मौजूद सभी खम्भे एक ही मंदिर से निकाले गए दिखते हैं, और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। यहां मौजूद खम्भों पर वैष्णव कलाकृतियां, अवतार, अनंत सर्प में नारायण की मूर्तियां वगैरह हैं। मस्जिद की बाहरी और अंदरूनी दीवारें भी हिंदू निर्माण का हिस्सा हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पर मस्जिद है वो हिंदू मंदिर का ही प्लेटफॉर्म था। तीन प्रमुख लेवल दिखाई पड़ते हैं वहां पर, और मस्जिद जो बना हुआ है कुवैतुल इस्लाम मॉस्क, माइट ऑफ इस्लाम जिसको कहते हैं, तो वो सबसे ऊंचे वाले प्लेटफॉर्म पर है, और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि किसी मलबे को लेवल करके उसको उस ऊंचाई को उपयोग में लाया गया है। और क्योंकि मस्जिद बननी है तो वो सबसे ऊंची जगह पर हो, एक ऐसी मानसिकता से उसको बनाया गया है, और वो काफी एविडेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुतुब परिसर में देखने पर भी यही पता चलता है कि अलग अलग इलाकों की सतह की ऊंचाई अलग अलग है। जेडी बेगलर की रिपोर्ट में भी इसकी वजह साफ लिखी हुई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मस्जिद के अंदर की सतह का स्तर कुछ और है, हिंदू निर्माण की सतह का स्तर भर दिया गया ताकि हिंदू अभिलेख छिपाए जा सकें। दक्षिणी गेट के खनन से पता चला है कि यहाँ छेड़छाड़ की गई, काले स्लेट पत्थर की लक्ष्मी जी की मूर्तियां और मिट्टी के दिए भी मिले हैं। वहां से विष्णु की प्रतिमा, मेहरौली से विष्णु की प्रतिमा मिली है जो नेशनल म्यूजियम में डिस्प्लेड है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके अलावे एक यक्षी की प्रतिमा है जो मेहरौली से मिली है, उस इलाके से, वो शुंग कालीन है, मतलब सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, हाँ, तो पहली शताब्दी के हैं। 1872 की रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि यहाँ मौजूद मीनार की नींव मंदिर के निर्माण के काफी बाद की लगती है। इसके अलावा कुतुब परिसर के लौह स्तंभ को लेकर भी साफ लिखा गया है कि ये स्तंभ हिंदुओं का है। भारतीय इतिहासकार भी मानते हैं कि ये लौह स्तंभ 5वीं सदी का हो सकता है। तेजश्री पुरंदरे और अर्पिता आर्या के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, आज तक।